भैया शाहरुख खान के जवान से काफी सारी अपडेट आ गई है, वो भी उसके पहले सॉन्ग और साथ में फिल्म की स्टोरी के प्लॉट से भी। सो इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप, तो आपको मालूम ही होगा भाई जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। उन्होंने दो कैरेक्टर प्ले किए हैं इस फिल्म में, एक बाप का और दूसरा बेटा का। तो भाई आज फाइनली शाहरुख खान का दोनों कैरेक्टर के बारे में सब कुछ रिवील हो चुका है। देखिए जवान में जो शाहरुख खान का पहला कैरेक्टर है उसका नाम है विक्रम, और ये गजनी लुक वाला शाहरुख खान ही विक्रम है, और इसी विक्रम ने बाप का कैरेक्टर प्ले किया है, और ये असल में एक कमांडो है। फिल्म का टाइटल जवान इसी के ऊपर बेस्ड है। और जो बेटा का कैरेक्टर है उसका नाम है आजाद, और वो पुलिस ऑफिसर है फिल्म में। और इन दोनों में से जो गजनी लुक वाला विक्रम है वही तबाही मचाएगा पूरी फिल्म में, क्योंकि इसने कमांडो का जॉब छोड़ के क्राइम करना चालू कर दिया है। ये विक्रम शाहरुख खान का कैरेक्टर कोई विलेन नहीं है फिल्म का, ये काम अच्छा ही करता है, बट इसका करने का रास्ता गलत है। जैसे इसने ट्रेन ही हाईजेक कर लिया है अपनी कोई बात मनवाने के लिए सरकार से, क्या पता गवर्नमेंट विक्रम को रोकने के लिए उसी का पुलिस वाला बेटा आजाद को भेजे। इसका मतलब भाई एटली कुमार कोई बड़ी स्टोरी तैयार किए हैं इस जवान फिल्म में। हो सकता है हमें इस मूवी में शाहरुख खान वर्सेस शाहरुख खान भी देखने को मिले, मतलब बाप बेटा दोनों लड़ेंगे अपने अपने काम के लिए एक दूसरे से फिल्म में। तब तो भाई उस सीन में तो पूरा थिएटर ही ब्लास्ट हो जाएगा, लोग तो तबाही मचा देंगे SRK का सामना SRK से हुआ तो। खैर आपको बता दो अब जवान का पहला सॉन्ग से ऑब्वियसली डिटेल सामने आ गई है। एक्चुअली में जवान का पहला गाना का नाम है जिंदा बंदा, और इसी को बनाने में रेड चिली कंपनी को 15 करोड़ बजट खर्च करना पड़ गया है। और ये जिंदा बंदा सॉन्ग इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी सॉन्ग है जिसका 15 करोड़ में बनाया गया है। और हाँ इससे भी हैरानी की बात यह है इस सॉन्ग में कोई हीरोइन नहीं होंगी, ना ही दीपिका पादुकोण और ना ही नयनतारा। ये सॉन्ग स्पेशली अपने शाहरुख खान के लिए बनाया गया है, जैसे वारुसु में थलापति विजय सर का थी थलापति सॉन्ग आया था ना, ठीक वैसे ही पावरफुल सॉन्ग शाहरुख खान का जिंदा बंदा है। तो देखते हैं 15 करोड़ के जवान का गाना कैसा होता है, और विक्रम और आजाद के आपस में क्या सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है इस जवान फिल्म में। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा। We'll be right back.